आउटपुट ले रहे हैं उसके पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको पैरेलल क्लिपर कहते हैं। तो पैरेलल क्लिपर में बेसिकली हम आउटपुट जो ले रहे हैं वो डायोड के क्रॉस ले रहे होते हैं, जबकि सीरीज क्लिपर में हम आउटपुट जो है रेजिस्टर के क्रॉस ले रहे होते हैं। तो सीरीज क्लिपर में ये अपोजिट कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है और डायोड यहाँ पे कनेक्टेड है, वो हमारे पास सीरीज क्लिपर है, ये है पैरेलल क्लिपर। तो इसको अगर आप इनपुट देंगे तो उसी तरह क्लिपर क्या करता है कि हाफ जो है वो हाफ जो इनपुट आप देते हैं उसको क्लिप करता है। तो पैरेलल क्लिपर्स में हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इनपुट सिग्नल दें फर्स्ट हाफ साइकिल हमारे पास आएगी तो पोलैरिटीज यही होंगी, डायोड हो जाएगा हमारे पास फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड जो है कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता आइडियल केस में। देखें आइडियल केस में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता, लेकिन कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बायस में। तो ये हो गया, ये हमारे पास गिवन जो सर्किट है इसमें ये मेंशन नहीं है कि ये हमारे पास सिलिकॉन डायोड है या जो भी है, हम इसको फिलहाल आइडियल कंसिडर करते हैं। आइडियल डायोड वो डायोड जो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता। तो अगर ये कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये हम इसको शॉर्ट सर्किट शो कर सकते हैं, ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट है। तो आउटपुट वोल्टेज मैं कहां से ले रहा हूं, दो पॉइंट्स के दरमियान, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान। तो अभी शॉर्ट सर्किट केस में हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस है शॉर्ट सर्किट में हमारे पास क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको जीरो शो करेंगे। तो जब तक डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगी, जीरो आएगी, मैं रेड कलर में शो करता हूँ। तो अब फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास आउटपुट वोल्टेज ऐसे आएगी जीरो, लेकिन जो ही सेकेंड हाफ साइकिल आएगी जो नेगेटिव साइकिल है तो हमारे पास यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाएंगी। पोलैरिटी रिवर्स होने के साथ हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो डायोड है ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो इसकी जो पी टाइप है वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है। तो ये हो जाएगा हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा रिवर्स बायस, तो यहाँ से ये डायोड कट ऑफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब डायोड कट ऑफ हो गया तो फिर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी। तो जैसा कि अगर हम केवीएल लगाएं तो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो वी आई माइनस वी आर है जो रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो। तो यहाँ पे देखें कि कोई भी कट ऑफ हो गया तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो आर के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो जीरो एम्पीयर फ्लो होगा। तो हम कह सकते हैं कि वी इज इक्वल टू आई आर के तहत ये जो वोल्टेज है रेजिस्टर क्रॉस वो कोई भी ड्रॉप नहीं होगी, वो जीरो है। तो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज वही आएगी जो मेरे पास इनपुट वोल्टेज होगी। तो इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज मेरे पास ये आएगी। तो जिसको हमने यहां पे ड्रॉ करके दिखाया कि आउटपुट वोल्टेज मेरे पास आएगी ये। तो पैरेलल क्लिपर्स में हमारे पास अगर किसी और टाइप का सिग्नल भी देते हैं तो वही सेम कंडीशन होगी कि हमारे पास जब तक फॉरवर्ड बायस है तो डायोड आइडियल है, तो ये क्या ड्रॉप करेगा, जीरो वोल्ट ड्रॉप करेगा, तो मेरे पास जीरो वोल्ट आएगी। तो जो ही रिवर्स बायस होगा तो मेरे पास जो इनपुट वोल्टेज होगी वही आउटपुट में आएगी, क्योंकि रजिस्टर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे एक और केस, हम अगर फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन डायोड है तो सिलिकॉन डायोड क्या करता है, 0.7 ड्रॉप करता है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेगा, जब इससे करंट पास होगा तो ये 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेगा। जिसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ वेव में ये फॉरवर्ड बायस होगा इस पीरियड के दौरान। तो इस पीरियड के दौरान अगर ये आइडियल नहीं है, सिलिकॉन डायोड है, तो ये 0.7 ड्रॉप करेगा। तो हम इधर लिखेंगे 0.7, जबकि बाकी इसमें रिवर्स बायस में कोई वोल्ट ड्रॉप नहीं करेगा क्योंकि इसके क्रॉस करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए रिवर्स बायस में हमारे पास वीओ जो है, हमारे पास, हमें रिवर्स बायस में नहीं पता है कि जो वोल्टेज होगी इसके क्रॉस, वो वीओ जो है वो हमारे पास इनपुट, जो इनपुट होगी वही हमारे पास आउटपुट में आएगी इस तरह। तो अब आते हैं इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो हम आते हैं पैरेलल क्लिपर्स में, अगर हम डीसी सोर्स कनेक्ट कर दें डायोड के साथ तो फिर क्या होगा, अभी हम प्रॉब्लम में देखते हैं। तो अगर तो मेरे पास यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर ये एक पैरेलल क्लिपर ही है, लेकिन डायोड इसमें इन्वर्स लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है डायोड। बेशक उल्टा लगा हुआ हो डायोड, ये हमारे पास पैरेलल क्लिपर ही होगा क्योंकि हम वोल्टेज डायोड के क्रॉस ले रहे हैं। साथ में हमने क्या किया, एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, तो उसको हम कहेंगे पैरेलल क्लिपर्स विद डीसी सोर्स। तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो अगर इसको मैं इनपुट सिग्नल देता हूँ, ये यहाँ पे आपको शो गया कि ये वाला इनपुट सिग्नल देता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट में ये वेव फॉर्म आएगी। और कैसे आएगी अभी हम देखते हैं। तो जैसे मेरे पास वोल्टेज 0 वोल्ट होगी, तो अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वोल्टेज क्या है 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट का मतलब है शॉर्ट सर्किट। तो इसको मैं शॉर्ट सर्किट कहता हूँ, तो डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो कह रही है प्लस अप्लाई हो रही है पी टाइप को +4 वोल्ट, तो ये डायोड कंडक्ट करेगा और ये डायोड ए जो है वो है आइडियल डायोड, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा। तो मेरे पास आउटपुट में वोल्टेज यहां से लेके इस पॉइंट तक क्या आएगी, 4 वोल्ट आएगी। तो VI 0 पे ही हमारे पास डायरेक्ट वोल्टेज क्या हमने लिख दी, 4 वोल्ट आ गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास जब फॉर एग्जाम्पल VI जो है वो 1 वोल्ट होगी, तो VI जब 1 वोल्ट हो गई, तो अगर हम इसको देखें कि VI अगर हमारे पास 1 वोल्ट होती है फिर क्या होगा। तो इससे पहले तो हम यही पढ़ते रहे हैं कि डायोड की जो पी टाइप में है उसको अगर पॉजिटिव मिलेगी तो हमारे पास वो फॉरवर्ड बायस होगा, एन टाइप को नेगेटिव मिलेगी तो उसे रिवर्स बायस होगा। तो इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डायोड की पी टाइप पे जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो डायोड की एन टाइप की वोल्टेज से कम हो तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। हमारे पास हम कह सकते हैं कि इधर अगर दोनों साइड हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो इधर अगर लेस पॉजिटिव वोल्टेज है और इधर मोर है तो हमारे पास ये कंडक्ट करेगा। अगर हमारे पास ऑपोजिट केस है कि हमने पी टाइप पे वोल्टेज कम दे दी और एन टाइप पे वोल्टेज ज्यादा दे दी तो हमारे पास डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। ये दूसरी कंडीशन आज मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, दोबारा रिमाइंड करते हैं इसको। तो हमारे पास पी टाइप जो है वो पे हमारे पास वोल्टेज अगर ज्यादा होगी एन टाइप से तो तब ये कंडक्ट करेगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज भी आप ऐसे ही कह सकते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज हमेशा नेगेटिव वोल्टेज ज्यादा होती है इसलिए ये कंडक्ट करता है। पॉजिटिव पी टाइप के साथ कनेक्टेड होती है तो एन टाइप नेगेटिव के साथ तब ये कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे इस साइड पे वोल्टेज मेरे पास 1 वोल्ट है, ठीक है जो, तो ठीक है, तो ये ड्रॉप ही है 1 माइनस, जो भी ड्रॉप आएगा मेरे पास हमेशा कम ही आएगी। तो हमें कह सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप नहीं भी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत छोटा रेजिस्टर है जो भी है, तो हम हमारे पास कहता हूँ कि वहां पे 1 वोल्ट है यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो ये डायोड क्या करेगा, फिर भी कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा। मेरे पास आउटपुट पे जो वोल्टेज आएगी, ठीक है, वो 4 वोल्ट के बाद 4 वोल्ट के ऊपर, तो हमारे पास जब 4 वोल्ट, सॉरी मैं 1 वोल्ट की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज यही 4 वोल्ट ही आएगी, क्योंकि वोल्टेज जो है मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान देख रहा हूँ। तो डायोड जो होगा वो कंडक्ट करेगा, 0 वोल्ट ड्रॉप करेगा क्योंकि आइडियल डायोड है, तो मेरे पास आउटपुट में वोल्टेज दोनों पॉइंट्स के दरमियान 4 वोल्ट ही रह जाएगी। तो फिर हमारे पास एक और लेवल आएगा जब ये वोल्टेज 2 वोल्ट हो गई, तो फिर भी वही होगा कि ये डायोड कंडक्ट करेगा और वही हमारे पास आइडियल डायोड है, 0 वोल्ट ड्रॉप करेगा तो हमारे पास आउटपुट पे 4 वोल्ट ही आती रहेगी। तो कब तक हमारे पास 4 वोल्ट आती रहेगी ये हम देखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट तक 4 वोल्ट आती रहेगी। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पे देखें तो ये 4 वोल्ट है, इसको हम ट्रांजिशन लेवल भी बोलते हैं। ये 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट से जो ही इंक्रीज होती है वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हो जाती है 4.1 वोल्ट, तो 4.1 वोल्ट में क्या होगा, 4.1 वोल्ट पे हमारे पास एन टाइप पे वोल्टेज ज्यादा है, पी टाइप पे वोल्टेज कम है, तो 4.1 वोल्ट पे हमारे पास वोल्टेज जो है वो ये डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। जब ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो इस ब्रांच में से कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा, 4 वोल्ट हो सोर्स हो या ना हो इसका कोई भी फायदा नहीं है, जिस ब्रांच से कोई करंट भी फ्लो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड जो है इसके कनेक्टेड नहीं है वोल्टेज सोर्स के, यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, इसलिए इस वोल्टेज सोर्स को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज फिर क्या आएगी, तो वही जो लास्ट अभी हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीजें जो है वो कवर की हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा कि यहाँ पे 4.1 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 4 वोल्ट, ये फिर क्या करेगा, ये वाला यहाँ पे 4.4 है, यहाँ पे 4.1 है, नेगेटिव पे वोल्टेज एन टाइप पे वोल्टेज ज्यादा है, ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास सर्किट में से ये पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास सर्किट में सिर्फ वी आई आर और वी ओ बचेंगे। तो वी ओ मेरे पास यहाँ पे क्या है, वी ओ इज इक्वल टू वी आई प्लस आर, VI प्लस वोल्टेज अक्रॉस द ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। जैसा कि यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि यहां से भी कोई करंट नहीं आएगा ना, क्योंकि उसको पाथ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमारे पास ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो जब आई जीरो हो गई तो वोल्टेज करंट जीरो हो गया, तो हमारे पास वोल्टेज ये वाली वी आर भी जीरो हो जाएगी। तो इसको हम कह सकते, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको कहते हैं जीरो वोल्ट हो गई। तो वी ओ इज इक्वल टू वी आई, तो 4 वोल्ट यहाँ पे, जब हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज जो है वो इस पॉइंट के ऊपर 4.1 वोल्ट होगी, मतलब 4.07 भी आप कह सकते हैं, या यहाँ से 4 पॉइंट से अगर एन टाइप पे वोल्टेज अगर इंक्रीज कर गई, तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशन लेवल इसे 4 वोल्ट रखा है, तो अगर ये 4.1 वोल्ट भी होगी तो डायोड जो है वो कंडक्ट करना स्टॉप कर देगा, तो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज होगी वही आउटपुट में आएगी। इसके बाद क्या हो गया कि वोल्टेज हमारे पास लगातार इंक्रीज कर रही है, 4.1 है, 4.2, फिर ये 5 हो जाएगी, उस केस में भी डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, फिर करते करते 16 तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है वही आउटपुट में आ रहा है। तो देखें इनपुट सिग्नल इसके आगे ये वेव फॉर्म है, तो आउटपुट में भी हमारे पास हूबहू वही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद चलते हैं कि डायोड कब कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा दोबारा, तो दोबारा उसी पॉइंट पे जब 4 वोल्ट होगी, दोनों साइड पे 4 वोल्ट होगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 16 के बाद वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होगी, 15 होगी, 14 होगी, 13 होगी, 4 पे पहुंचेगी, तो 4 पे दोबारा ये सीन होगा, 4 या 4 से भी कम 3.9 जो है हमारे पास, जब वोल्टेज एन टाइप को मिलेगी तो ये डायोड दोबारा कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एन टाइप पे वोल्टेज हमारे पास कम हो गई है। जब कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा उसी तरह आउटपुट में हमारे पास दोबारा 4 वोल्ट आना स्टार्ट हो जाएगी, तो 4 वोल्ट आती रहेगी T/2। ये तो होगी पॉजिटिव साइकिल जो भी हमने ड्रॉ की, T/2 तक 4 वोल्ट आएगी। तो अब हम जाते हैं नेगेटिव साइकिल तरफ के, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा। अब नेगेटिव साइकिल यहां से हमारे पास स्टार्ट हो रही है, ये है नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो नेगेटिव साइकिल T/2 से लेके T तक हमारे पास आएगी, तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, पोलैरिटी होगी अपोजिट। जब पोलैरिटी होगी अपोजिट तो इसका मतलब है कि डायोड की पोलैरिटी यहाँ पे नेगेटिव हो गई है, यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव मिल रहा है, तो हमेशा नेगेटिव कम ही रहेगा पॉजिटिव से, या आप कह सकते हैं कि डायोड के एन टाइप को नेगेटिव यहाँ पे मिल गया। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव मिलेगी, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस ही रहेगा, तो नेगेटिव साइड में क्या होगा कि नेगेटिव जितनी भी हो जाए वो कम हो या ज्यादा, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो आउटपुट में हमारे पास 4 वोल्ट आती ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास आउटपुट में 4 वोल्ट आती रही है टी तक, जबकि T/2 से पहले जो है वो बाद जगह पे 4 वोल्ट आ रही थी, बाद जगह पे इनपुट सिग्नल वाला रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया पैरेलल क्लिपर विद डीसी सोर्स। इसके बाद चलते हैं एक